आपत्तिजनक बात की शुरुआत में आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की ज़रूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूँ जहाँ इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं। मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है डर है डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृहमंत्री पर सबका भरोसा ना होना चाहिए। और मैं कहता हूँ माइनॉरिटी को, जरा भी चिंता मत करो। आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAB, कभी NRC, फिर दोबारा NRC, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। एक साथ कई कानूनों का जिक्र कर दिया आपने, 370 करा, ट्रिपल तलाक करा, आप अब CAB लेकर आए हो, ये सब एंटी मुस्लिम। मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, ना CAB एंटी मुस्लिम है, ना 370 एंटी मुस्लिम है, ना ट्रिपल तलाक एंटी मुस्लिम है। ट्रिपल तलाक इस देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को अधिकार देने का बिल है जो आज तक आर्टिकल 370। क्यों कश्मीर में हिंदू नहीं रहते हैं, बौद्ध नहीं रहते हैं, सिर्फ मुसलमान रहते हैं? इस तरह से क्यों सोचना? आर्टिकल 370 सबके लिए उठाया है, कोई मुस्लिम कॉमेडी की ट्रिक के लिए नहीं उठाया है। और आर्टिकल 370 उठने के बाद भी आज भी कश्मीर में शांति है और सारे मुसलमान शांति के साथ हैं। मान्यवर, CAB कैसे एंटी मुस्लिम बनेगा? मान्यवर, CAB के अंदर कहीं पर भी किसी मुसलमान की नागरिकता को छूने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बाकी जो वहाँ की माइनॉरिटी है उसको देने का मान्यवर सवाल है। तो मैं नहीं मानता कि CAB किसी भी तरह से एंटी मुस्लिम हो सकता है। Those who have no idea of India cannot protect the idea of India. Don't convert this Indian Republic into a Jurassic Republic where there are two dinosaurs. और मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे। भाई, आइडिया ऑफ इंडिया जहाँ समझाना हो समझा दो, मेरी तो 7 पुश्ते यहाँ जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूँ। मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया, मुझे मत समझाइए कभी भी। हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे।